चलो अब कर रहे एक्सरसाइज, ओल्ड बुक्स में एक्सरसाइज 13.1 है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्या कहते हैं? इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट करना है क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री एक्स प्लस थ्री, इसे बोलते हैं बेटा एक्स अप्रोचेस या एक्स टेंड्स टू, एक्स अप्रोचेस और एक्स टेंड्स टू, ठीक है? कि एक्स कहां की तरफ जा रहा है? थ्री की तरफ। यहां तक क्लियर? ओके, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना बेटा, एक्स की जगह बस क्या पुट कर दो, थ्री। कितना आएगा आंसर? थ्री प्लस थ्री इज सिक्स। क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन दू छोटा सा, क्वेश्चन टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एक्स माइनस 22/7। वन मिनट करके दिखाओ। ओके, अब ये सुनना था मेरे को, कई बच्चे इसमें जीरो बोलने वाले हैं, बट एक्चुअली जीरो नहीं है। आप बोलोगे क्यों? आप बोले सर हमने वैल्यू डाली पाई माइनस 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। नो, पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 उसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए पाई को हम पाई रहने देते हैं। क्लियर होगी बात? चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ छोटा सा, क्वेश्चन नंबर थ्री, जल्दी ओरली बताता हूँ आंसर, ओरली कितना आएगा, कितना है आंसर? क्वेश्चन थ्री है बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सॉरी आर टेंड्स टू वन पाई आर स्क्वायर, कितना है आंसर जल्दी बताओ? पाई, पाई इंटू वन का स्क्वायर पाई, पहला पॉइंट। रेडी? ओके, नेक्स्ट पे आऊंगा बेटा मैं, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे आओ, अभी नोट्स में लिखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। If the function is in form of 0/0, is in form of 0/0, इस 0/0 को हाईलाइट करना भी, then we will use rationalization factorization algebraic identities trigonometric formulas and formulas of limits. सर क्या मतलब है? मैं क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा तो बेटर रहेगा। एग्जांपल टू का सेकंड पार्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 4x अपॉन में x² माइनस 4। हाँ जी, रेडी? अब मैं आपको बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे आप? x की जगह क्या पुट कर दोगे? 2। जल्दी से पुट करो, जल्दी से, अब मेरे को बताओ क्या आ रहा है आंसर। अब अगर आप इसमें वैल्यू पुट करो तो आप नोटिस करो, अगर आप एक्सपुट करोगे तो ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, चेक करके देखो, इसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं फैक्टराइजेशन कर दूंगा या रैशनलाइजेशन, ठीक है? क्या इसके फैक्टर्स करे जा सकते हैं? फैक्टर्स करने आते हैं ना बचपन से, कैसे करूंगा बेटा फैक्टर खुद बताओ, वंशी को बता सकते हैं फैक्टर? एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 4x, सबसे पहले एक्स कॉमन, बिल्कुल, x² माइनस 4x प्लस 4। अब इसके ऊपर क्या लग जाएगी मेरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राइट? क्या इसके भी फैक्टर्स कर सकता हूं मैं x² माइनस 4 के? बेटा
4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का होल स्क्वायर, बोलो क्लियर, यस और नो? लिमिट x टेंस टू 2, इसके फैक्टर्स करो, x माइनस टू, ऊपर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, नीचे क्या लगेगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये कट गया, x इंटू एक्स माइनस टू अपॉन में x प्लस टू, क्या अब 2 की वैल्यू डाल सकता हूँ, डालो, 2 माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस 2, 2 × 0/4 दैट इज 0, बोलो पॉइंट क्लियर, किसी को कोई भी जरा सी कंफ्यूजन, आगे चलते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और, इसका फोर्थ पार्ट आपको पहले टाइम दूंगा अटेम्प्ट करने के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अटेम्प्ट करो राइट नाउ बेटा, देखो अब इसमें आप लोग कॉमन एरर क्या करते हो कि टीचर को पता होता है बेटा आपने पढ़ाई नहीं करी, मैं वर्ड बोल रहा हूँ साफ, क्वेश्चन देखते कैसे, अगर नॉर्मली बच्चा से अटेम्प्ट करता है ना, मान लो इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है कुछ करना है, बच्चा क्या करता है अक्सर ही, बच्चा इसको इस तरह लिख देता है पहले तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, वो लिमिट ही भूल जाता है, और उसके बाद पता नहीं यहाँ से कहाँ से वो 2 पुट कर देता है, उसके बाद 2 का क्यूब माइनस 2 × 2 का स्क्वायर एंड समथिंग समथिंग, वहीं पे बेटा टीचर समझ जाता है कि बेटा यहाँ पे नहीं आया, समझिए इसको, पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर हुआ? तो सबसे पहला काम आपको लिमिट वर्ड लगाने, जब आप लिमिट में x की जगह 2 पुट कर रहे हो तब लिमिट गायब कर देना, क्लियर? अच्छा अब दूसरे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है बच्चे को, बच्चा पूरी वैल्यू पुट करेगा इसमें कि 2 का क्यूब माइनस 2 × 2 का स्क्वायर, डोंट ट्राई, क्यों, सीधा वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट करके देखो, कहीं जीरो तो नहीं आ रहा, पुट करो 2 का स्क्वायर 5 × 2 प्लस 6, कितना और है 4 − 10 + 6, कितना रहा आंसर, डिनोमिनेटर में जीरो सही है, डिनोमिनेटर में जीरो, यानी कौन सी फॉर्म आ गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, पॉइंट क्लियर, और सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहां पर, रैशनलाइज, सॉरी फैक्टराइज कर सकता हूं इसे, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, कैसे करूं, एक्स स्क्वायर कॉमन, ठीक है, एक्स माइनस 2, नीचे फैक्टर्स बनाओ इसके, पहले बता रहा एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बनेंगे फैक्टर्स, कट गया कट गया, अब डाल दो टू का स्क्वायर अपन 2 − 3 −4, क्लियर, यस और नो? एक क्वेश्चन और दू, करोगे, क्या हुआ कंफ्यूजन, थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पहले लिख के दे रहा हूं उसके बाद नोट कर लेना इसे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, करके दिखाओ राइट नाउ, चलो थर्ड पार्ट कैसे था अब देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 को करो, क्या हो जाएगा सर, x माइनस 2 x प्लस 2, नीचे से क्या होगा सर, x कॉमन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्लियर, अच्छा जी, ऊपर ये x माइनस 2 x प्लस 2 कैसे बना, सबको क्लियर है कैसे, कौन सी एंट्री लगाई मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी यहाँ पे लगाई थी ये री, अगर आप देखो सेकंड का रेसिप्रोकल ही है, पॉइंट क्लियर,
लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, कट गया, डाल दो टू क्या हो जाएगा सर, टू प्लस टू अपॉन टू इंटू टू माइनस टू, फोर अपॉन में जीरो, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, नॉट डिफाइंड, पॉइंट क्लियर। अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें एक छोटा सा पॉइंट कि हम टीचर्स कैसे पकड़ते हैं कि कौन सा फैक्टर कटेगा। अब ये करके दिखाओ, आपको टाइम दिया इसके लिए वन मिनट। चलो बेटा अब ये क्वेश्चन था, ये कैसे होना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स माइनस टू, इसके फैक्टर्स कर दो क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमन एक्स माइनस वन, यहां से भी एक्स सब में आ रहा है तो एक्स कॉमन, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसके फैक्टर्स करो कैसे होगा बेटा, इसके फैक्टर एम टी एस से लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स एक्स माइनस वन, वन अपॉन एक्स, फैक्टर्स इसके हो जाएंगे एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब यहां सॉल्व कैसे करना है, जिन बच्चों को नहीं आया वो ध्यान से देखो, कॉमन कुछ आ सकता है जो सब में से बाहर, एक्स और एक्स माइनस वन, एक बात ध्यान रखना जो कॉमन एरर क्या होता है बच्चे का, बच्चा ये एक्स तो ले लेगा ये तो उसको पता है, बच्चा यहाँ से एक्स निकाल देता उठाते उठा के, जबकि ध्यान रखना ब्रैकेट जो भी होता है वो एक वैल्यू कंसीडर होती है, ब्रैकेट में हमेशा एक वैल्यू, पॉइंट क्लियर। ओके तो वन बाय एक्स एक्स माइनस वन बाहर कर दिया, क्लियर। अब अपॉन माई बैड एक्स माइनस टू बच गया माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, अब क्या करूं सर सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करो कैसे, क्या कर सकते हैं यहां पर सॉल्व करने के लिए, एलसीएम लेंगे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, क्लियर। एलसीएम पता कैसे लेते हैं, अपॉन में वन होता है, ठीक है बेटा हंस के दिखाओ, इतना गंदी हंसी हंसता है ये, ऐसे हंस रहा है ये, ऐसे हंस रहा है ये, ना कार्टून आते हैं ये जो स्माइली है ना बेटा, ये एलसीएम का तरीका है, इसकी हंसी नहीं कहीं सोचे, ठीक है आ जाओ वापसी, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन वन अपॉन एक्स एक्स माइनस टू, कहाँ पे, ओ थैंक यू, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, इसे ओपन करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्या हो जाएगा सर, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू, फैक्टर्स करो एक्स माइनस थ्री, हाँ एक्स माइनस फोर, थ्री आएगा फोर आएगा, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, कुछ मिस्टेक हो रही है, हाँ पॉजिटिव थ्री आना चाहिए, अब ठीक है प्लस थ्री, तो एक्स माइनस मेरा हो जाएगा
थ्री एक्स माइनस वन अपॉन में क्या है एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, फायदा ये कट गया, क्या बच गया अब एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स एक्स माइनस टू, क्लियर। अब वैल्यू रख सकता हूं मैं, रखो वन माइनस थ्री वन, वन माइनस टू माइनस टू माइनस वन दैट इज टू, बोलो क्लियर। अब देते हैं सर स्पेशल, यानी सैम स्पेशल। एक क्वेश्चन है मेरा एस एस वन। अच्छा एक मैं आपको ट्रिक बता रहा था कि हम टीचर्स कैसे पकड़ते कि क्या फैक्टर कट रहा है, ध्यान से देखो। आपने बात किसी ने नोटिस करी अभी तक, आपकी लिमिट क्या थी यहाँ पर x टेंड्स टू वन, फैक्टर कौन सा कटा है जो कट रहा है x माइनस वन। दोबारा देखो ध्यान से, यहाँ पे लिमिट देखो x टेंड्स टू, फैक्टर कौन सा कटा x माइनस टू, ठीक है। चलो एक और देखो, यहाँ पे लिमिट क्या थी x टेंड्स टू, फैक्टर कौन सा कटा है, ये इसकी पहचान है, फैक्टर इसी से रिलेटेड होगा, या तो x माइनस टू हो जाएगा या x माइनस कई बार रूट टू भी आएगा, आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा सैम स्पेशल में। लिमिट x टेंड्स टू वन टू एक्स माइनस वन अंडर रूट एक्स माइनस वन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। अब ये करके दिखाओ, आओ अब कैसे करूंगा सर, हो गया बेटा उत्कर्ष, नहीं अटक गए सर, टू एक्स माइनस वन रूट एक्स माइनस वन, मेरे को नहीं पता भी सॉल्व कर रहा हूँ मैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस इसके फैक्टर्स करो क्या हो जाएंगे थ्री एक्स माइनस एक्स, नहीं थ्री एक्स नहीं 3x माइनस टू एक्स, राइट ये फैक्टर्स बनाए तो बनेंगे मेरे 2x माइनस वन रूट एक्स माइनस वन, फिर 2x कॉमन तो x प्लस एक्स माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ से मैंने ले लिया 3 कॉमन तो x माइनस वन, बोले यहाँ तक क्लियर ऐसा नो। अब क्या करूँ, अगर आप देखो अब तो कट नहीं रहा ये तो है ना, तो फंस गए सर, क्या कर सकता हूँ 2x माइनस वन रूट एक्स माइनस वन, ध्यान से देखना बेटा अब 2x माइनस थ्री, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, कैसे इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट एक्स का होल स्क्वायर, यस और नो, और इस वन को वन का स्क्वायर, बोलो क्लियर यस और नो। टू एक्स प्लस थ्री फैक्टर्स, बड़ा फैक्टर क्या बने एक बार बताना, यही बने ना टू एक्स प्लस है, ये प्लस कैसे आ रहा है इसका, ओके प्लस थ्री, थैंक यू प्लस थ्री राइट ओके। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन टू एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री, इसको कर दो रूट एक्स माइनस वन, फिर रूट एक्स प्लस वन, कुछ पॉइंट क्लियर हुआ यहां तक, अब देखो अब कट सकता है ये लिमिट एक्स टेंस टू वन टू एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री अंडर रूट एक्स प्लस वन, वन की वैल्यू पुट कर दो
इंटू वन माइनस वन, टू इंटू वन प्लस थ्री, फिर रूट में वन प्लस वन, तो वन कितना हो रही है फाइव, रूट वन इज वन, वन प्लस वन टू, तो वन बाय टेन इज द आंसर. ये था छोटा सा क्वेश्चन, क्लियर. ओके होमवर्क टाइम. पहले एनसीईआरटी से दे रहे हैं एग्जांपल नंबर वन टू. क्वेश्चन वन से लेकर नाइन तक, देन इलेवन, ट्वेल्व. टाइम स्पेशल. अगर आप देखो क्वेश्चन छोटे छोटे बड़े नहीं है तो ये मत कहना सर होमवर्क बहुत ज्यादा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो मेरे को नाराज करेगा फिर. ठीक है, बस इतना से, चलो इतने में छोड़ दिया आज. हैप्पी.